हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं दोबारा से फ्री रीडिंग वाला सेशन जो है मेरा वो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को हर हफ्ते एक विनर चूज़ करूँगी आप लोगों में से, जिसको कि मैं एक शॉर्ट रीडिंग दूँगी फ्री। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी हो या जर्नल रीडिंग्स हो, जो भी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में खास कर जो है रीयूनियंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और बहुत सारे लोगों को दे नीड एडवाइस और सजेशंस उनको चाहिए कि उनको इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो मैं इसीलिए ये दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ मेरे इंस्टा को ज्वाइन कीजिए और मेरे ऐप भी पेज है दीपिका मेडिटेशन पावर, आप उसको भी लाइक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और बस यही कंडीशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे आप लोगों के नाम पता चल सकें जब भी मैं फ्री रीडिंग दूँ। सो मैं जिसके भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मेरे पास, या जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, जो भी कंडीशंस को पूरी करेगा, मैं उनको एक फ्री रीडिंग दूँगी। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। वेलकम टू ऑल, मैं दीपिका आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। और मेरे साथ जो भी सोल फैमिली के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। जो यहाँ पर न्यू व्यूवर्स आए हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आप भी मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरे इस सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को सब्जेक्ट से पता चला होगा कि मैंने आज जो एक पिकअप पाइल का सब्जेक्ट लिया है, और सब्जेक्ट इसमें ये होगा कि आपके जो पर्सन हैं, क्या उनको ये पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? क्या उनको कोई इस तरह के साइन मिल रहे हैं, कोई नंबर्स कुछ दिखाई दे रहे हैं? सो आइए चेक करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर पाइल बना लेती हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं यहाँ पर दो पाइल्स लूंगी। मैं दूसरी पाइल के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। सो यहाँ पे मैं कुछ ओशो ज़ेन से भी कार्ड लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए। ओके ओके फ्रेंड्स, सो जैसे कि मैंने पायल्स जो है वो बना ली हैं अपनी, ठीक है। सो आप इन दोनों पायल्स में से किसी भी एक पायल को चूज़ कर सकते हैं। ये एक रेड कलर का डाली है, ठीक है, या आप इसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये एक ब्यूटीफुल सा हमारे पास है शोपीस, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जो हमारी पहली फाइल है, मैं हमारे ये जो रेड टेडी वाली फाइल थी, इससे स्टार्ट करना चाहूँगी, ठीक है। सो देखते हैं कि इस फाइल में क्या कार्ड्स आए हैं और क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आती है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपके जो पर्सन हैं, जो क्या आपके जो ट्विन हैं, उनको ये पता चल चुका है, क्या उनको इस तरह का कोई साइन मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि वो जो हैं आपके साथ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो हमारी फर्स्ट पाइल मैंने जो ये चूज़ की थी रेड बनी वाली, सो इसमें कौन से कार्ड आए हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आया, सी। उसके बाद आया है द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ओके, सो ओशो ज़ेन कार्ड से भी दो कार्ड्स आए हैं, वो हम बाद में लेंगे। सो पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी जो हमारी फर्स्ट पाइल है,
यहाँ पे जो दो कार्ड आए हैं, सबसे पहले तो कार्ड ही हमारा आया है नाइन ऑफ सोर्स का। सो नाइन ऑफ सोर्स, यहाँ पर देखिए मैं एनर्जी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर सोर्स की एनर्जी दिख रही है और यहाँ पेंटिकल्स की भी है। अर्थ एंड एयर साइन हमारे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम सेकंड पाइल को बाद में लेंगे, अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो है मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो आपके जो पर्सन है, सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन में आ चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। जो भी पास्ट की चीज़ें हुई हैं, जो भी पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, सो वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं। डिवाइन की तरफ से जो है यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग मिल रही है, या फिर आप लोगों की कोई अगर थोड़ी बहुत बातचीत होती है सेपरेशन के दौर में भी, तो वो आपकी जो बातचीत है शायद वो इस तरीके की है कि वो उनको ट्रिगर कर रही है। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया था वो सही नहीं था और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अभी डिप्रेशन में चल रहे हैं, एनजाइटी बहुत ज़्यादा है एंड स्लीपलेस नाइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो इसलिए इस डिप्रेशन स्ट्रेस एनजाइटी में है क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। मून का कार्ड मुझे यहाँ पर यह बताता है कि जो आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट हैं जो वो आपको रिवील नहीं किए हैं अभी तक। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में रहे हों या फिर उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है जो कि उन्होंने आपको रिवील नहीं किया है। सो इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा उनको इसी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। और यहाँ मून की एनर्जी है तो आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से। किंग ऑफ पेंटिकल ये है कि उनके पास पैसा है, अबंडेंस है, सब कुछ है, मनी भी है, लेकिन वो इंटरनली अपने आप को फील अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में किया है उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। वो पैशनेट भी हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन यहाँ पे इंटरनली जो एक हैप्पीनेस होती है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर द सन का कार्ड है, तो द सन का कार्ड ये है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। वो आपको डिवाइन फेमिनाइन को जो है बहुत ही हैप्पी देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप छोटे बच्चे की तरह आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हैप्पी हैं, और ये देखकर उनको भी हैप्पीनेस महसूस होती है। उनको लगता है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही ग्रो कर रही है, ग्लो कर रही है, अपने आप को जो है वो ग्रो कर रही है। दूसरी बात ये है कि वो यहाँ पर चाहे कितने भी अभी डिप्रेस हैं, रिग्रेट हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पास में किया वो ठीक नहीं था डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो भी उन्होंने किया, सो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि द सन मतलब न्यू बिगनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया आप लोगों के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या उनको कुछ इस तरह के साइंस मिल रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की उनको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, या डिवाइन की तरफ से कुछ साइन मिल रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये था। तो फर्स्ट पाइल अभी मैं बताती हूँ आपको, मैं ज़रा दूसरा कार्ड भी ले लूँ। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है ऑर्डिनरीनेस का। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकता है, कि डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी हो सकती है ये, वाइस वर्सा आप लोग देख लीजिए। सो यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कार्ड निकल के आया है कि आपको नेचर में जाना चाहिए, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचर में जाके अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो है इस तरह की जो एनर्जी आ रही है उससे रिलीफ मिल सके। यहाँ पे करेज का कार्ड भी आया है, सो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको साहस बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर स्टोन में से ये पौधा निकल कर आया है, तो ये बहुत ही करेजियस सी बात है। तो आप लोगों को भी धैर्य बना के रखना है, होप बना के रखने हैं अपने इस जर्नी में, और ये आपको जो है एक साहस के साथ आगे बढ़ना है, करेज के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं एक एडवाइस कार्ड लेना चाहूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या था।
ओके सो या यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है। डिवाइन आपको जो है बताना चाहते हैं कि आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे या आपके पर्सन जो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और ये जर्नी जो है दोबारा से रियूनाइट में आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या आपके पर्सन को कोई ना कोई साइन मिल रहे हैं किसी तरीके के कि वो जो है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे इस फाइल में ऐसा नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा कोई कार्ड मेरे पास स्पेसिफिक नहीं आया है जो मुझे ये बताए कि इस जो फाइल है, इस फाइल वालों को के जो पर्सन है। हाँ, यहाँ पर ट्रिगरिंग तो हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, या तो वो आपकी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं। आप उनको कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, सो वो उस चीज़ से वो ट्रिगर हो रहे हैं, या फिर उनको ये फीलिंग तो आ रही है कि एक रिग्रेट है उनको, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई साइन जो है वो मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ मून की एनर्जी भी है, उनको बहुत ज़्यादा उदासी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और उनको ये सब चीज़ें बहुत ट्रिगर भी कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारी जो दूसरी पाइल है उसके अंदर क्या है। एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। मैं मिलती हूँ नए नेक्स्ट वीडियो पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं ये दूसरी पाइल देखने वाली हूँ। देखते हैं इसमें क्या कार्ड्स आए हैं जिन्होंने ये खूबसूरत सा शोपीस जो है चूज़ किया था। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, फोर ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ सोर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो बहुत ही साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, जो आपके ट्विन हैं, यस, उनको ये साइन डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं, और कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए कार्ड आया है फोर ऑफ सोर्स का। तो फोर ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पर ये कार्ड जो है ये हीलिंग का कार्ड होता है। आपके जो पर्सन है वो अपने आप को हील कर रहे हैं, और वो गॉड से प्रेयर भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग जो है सेपरेशन में, आप लोगों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है, सो उनको इस चीज़ का, पास की चीज़ों का चैनलाइज मैसेज, उनको पास की चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं परेशान कर रही हैं। सो वो गॉड से आपके इस कनेक्शन को उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको दोबारा से अपनी लाइफ में कि चीज़ें जो हैं वो किसी भी तरीके से सही हो जाएं पहले की तरह। ठीक है, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर मुझे दो चीज़ें बता रहा है कि वो अब वो हीलिंग कर रहे हैं, और उनकी जो है स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो वो ग्रो कर रही हैं, और दूसरी बात ये है कि उनको जो है डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ साइन दिए जा रहे हैं कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है टेम्परेंस का। वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, और अपने इक्वल एंड इक्वल गिव एंड टेक जो पास्ट में उन्होंने नहीं किया था, उस उन सब चीज़ों को वो बैलेंस कर रहे हैं। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इस जो रिलेशनशिप है ये, इसको ये पूरी तरह प्रोटेक्टेड है बाय द आर्क एंजल माइकल, बाय द एंजल्स। सो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पर्सन है उनको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन है। ये कुछ चाहे उनको ये ना भी पता हो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन है, लेकिन उनको ये पता है कि ये कुछ खास ही कनेक्शन है, ये कुछ खास ही रिलेशनशिप है जो कि एक आम रिलेशनशिप से बहुत ही ज़्यादा हटकर है। सो उनको बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे साइन मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, और ट्रिगर भी किया जा रहा है। और यहाँ पे वो आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। सो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप उनके साथ जो मिलके हैं अब जब भी बातचीत करना चाहेंगे तो आप जो है उनके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, यस या नो, अदरवाइज़ कुछ नहीं। आप कोई भी 50-50 वाले अब सिचुएशन में नहीं है। सो आप जो है सिर्फ यस और नो की कंडीशन में है। या तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, या तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा।
और फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पर्सन को पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दो नहीं तीन कार्ड आए हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोग जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके पर्सन को ये बात पता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर दो कार्ड और लूँगी ओशो ज़ेन से। ये देखिए, यहाँ पे भी ये कार्ड आया है, मास्टर कार्ड। और यहाँ पे ये जो कार्ड, ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, ये डिवाइन की तरफ से लाइट है। सो उनको ये जो है डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं कि आप किसी स्पेशल जर्नी में हैं, आपका कुछ लाइफ पर्पस है। यू आर नॉट अ ऑर्डनरी पर्सन टू लिव योर लाइफ एंड जस्ट डाइड एज अ नॉर्मल पर्सन। सो ये ऐसा ये जर्नी नहीं है, यहाँ पर इस जर्नी में कुछ खास लाइफ पर्पस है और आपके पर्सन को ये इस तरह की जो है साइन दिए जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, सो आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं कि आप दोनों की जब भी रियूनियन होगी या जब भी आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मीटिंग होगी, सो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलना है। और उनको भी यही बताया जा रहा है कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, चाहे पास में चीज़ें कुछ भी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, इस पायल वालों के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो हर्मिट मोड पे हैं। तो यहाँ पे हर्मिट मोड का कार्ड आया है। सी, ये जो कार्ड है ये मुझे ये बता रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं उनकी हीलिंग की जा रही है और आप लोगों की भी हीलिंग की जा रही है। सो आपको एक होप और एक फेथ बना के रखना है और अपने आप को बिजी रखिए अपने कामों में, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप को ग्लो कीजिए और राइट टाइम पर आपकी यूनियन जो है, जो रीयूनियन जो है वो हो जाएगी। सो ये डिवाइन टाइम के हिसाब से जर्नी चलती ही है, हम लोगों के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं होता है। सो इसीलिए आपको पेशेंस और होप बना के रखनी है। और आपके डिवाइन जो है पर्सन जो है, मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या उन्हें पता है, तो उनको बिल्कुल पता है और वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं और अपने आप को हील भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देयर, बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।